जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों लाडलो। जैसे कि आपने सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देख के आपको भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट, सरकारी नौकरी पक्की और सैलरी भी 40,000, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, कम से कम 40,000 रुपए। ठीक है, इसकी जो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने थंबनेल भी देखने हैं, वीडियो को अंत तक देखना लाडलो, कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट में, और वो भी नौकरी किस में, नेवी या एयरफोर्स में, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका भी सपना नेवी एयरफोर्स में जाने का है या भारतीय सेना में जाने का है, स्पेशली ये नेवी और एयरफोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा और नौकरी पक्की। अब इसकी सच्चाई क्या, वो भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपकी नौकरी लगेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में कई पेरेंट्स के पास में या आप लोगों के पास में भी कॉल आ रहे होंगे कि हाँ जी, आपका इस प्रकार से भर्ती निकली है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, अगर आप मेडिकल फिट है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार से कॉल आना शुरू हो गए होंगे। मैं आपको बता दूं, ये फ्रॉड की एक नई स्कीम आई है जिसमें काफी सारे बच्चे मेरे एकेडमी में, लगभग काफी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पास में कॉल आया है और वो बोल रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे बच्चे ने फॉर्म लगाया था क्या। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ऐसा तो कोई, ना तो कोई भर्ती आई है, नहीं ऐसा कोई फॉर्म लगाया है, लेकिन बोला सर वहां पर मेडिकल टेस्ट होगा और बोला उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा एक नया तरीका है फ्रॉड का, तो कोई भी इस जाल में फंस मत जाना। आपके वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए जाएंगे और वहां जाते ही आपको चार्ज बताया जाएगा, लगभग 6,000 या 10,000 इस प्रकार से। आपको फालतू में परेशानी है, ना ही आपने फॉर्म फिलअप किया, फिर भी आपके पास में कॉल कैसे आ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नेवी में इस प्रकार की कोई भर्ती नहीं होती जिसमें सिर्फ मेडिकल टेस्ट हो, ना ही एयरफोर्स में ऐसी कोई भर्ती होती जिसमें मेडिकल टेस्ट हो। ये आपको फ्रॉड करने का एक नया तरीका अपना लिया है लोगों ने, क्योंकि नौकरी के नाम पे गरीब जो माँ बाप है वो जल्दी ही बहकाव में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, यहां तक पेरेंट्स है कि एकेडमी में आ गए हैं, बच्चे का मेडिकल कराने के लिए तैयार है, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी तैयार है, बोला जी हम करवा के ले आते हैं, क्या पता लग ही जाए। अरे जब ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं, ऐसी गवर्नमेंट कोई ऑफर ही नहीं करती ऐसी भर्ती, तो आपका बच्चा कहां से लग जाएगा। इस प्रकार की गलती ना करे। आपके पास में, आप में से जिस भी बच्चे के पास में कॉल आया इस प्रकार का है, उसके पेरेंट्स के पास में इस प्रकार का कॉल आया, वो कमेंट में जरूर बताना ताकि बाकी सबको विश्वास हो सके कि हाँ इस प्रकार का एक नया फ्रॉड चल गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा कि जी नेवी में नौकरी पक्की हो जाएगी, सिर्फ आप मेडिकल टेस्ट। लड़कियों के पास में भी एक बच्चे ने भी मेरे को मैसेज किए थे, बोला सर मेरे पास में इस प्रकार से मैसेज आया है, उसका पूरा लिंक भी उन्होंने शेयर किया कि यहाँ यहाँ से इस प्रकार से मैसेज आया है और बोला गया कि आप सिर्फ मेडिकल अगर फिट है तो आपकी नौकरी लग सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये फ्रॉड का नया तरीका है, तो अगर आप भी सतर्क रहे, इस प्रकार से कहीं फंस ना जाए, ना ही कहीं मेडिकल कराने जाए। ठीक है, वहां कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ठगी है 100%। ठीक है, तो जितने भी एनपी के माँ बाप है या जो थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचा दें कि इस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप उस फ्रॉड से बच सके। सरकारी नौकरी बिना पढ़े लिखे नहीं लगेगी, सिर्फ मेडिकल देने से नौकरी नहीं मिलती है। नेवी एयरफोर्स का इसलिए क्योंकि आर्मी में तो ऑफर इसलिए नहीं करे क्योंकि आर्मी में सबको पता है पहले क्या होती है, दौड़ होती है और उनके पास में इतने बड़े ग्राउंड नहीं होते, ऑफिस में बैठ के फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, समझ में बात, इसलिए नेवी एयरफोर्स के नाम से ये सब चीजें चला रहे हैं लाडलू। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर ये मेरी बात पहुंचाना ताकि उनके साथ में ठगी ना हो सके। आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे, हमको भी पता है ये ठगी हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है और वो इसका पूरा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जब अकेडमी में देखा एक अभिभावक को तो वो मतलब मेरा मना करने के बावजूद लेके जाने के लिए तैयार है, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इनके चंगुल में फंसते हैं, उन तक ये बात पहुंचा देना ये सब कुछ फ्रॉड है। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।